यूएफएम आ गया है, जब उन्होंने एग्जाम दिया तो ऐसा पता चला उन्हें कि एग्जामिनर ने उनसे साइन करवाया है, उनका यूएफएम लगा दिया है। अब या तो उनका रिजल्ट बहुत लेट आएगा या फिर उनको फेल कर दिया जाएगा कम्प्लीटली। आपकी एक बार सुनवाई होगी, अब इस केस में क्या करें। यूएफएम का मतलब ये होता है अनफेयर मीन्स, मतलब आप कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे थे, आपको पकड़ा गया। अगर आप सही हो तो आपसे क्या करवाते हैं वो, अगर आपका यूएफएम लग गया है, टीचर को कोई इलीगल एक्टिविटी लग रही है, तो वो क्या करेगा, आएगा आपकी कॉपी पे लिख देगा, कट कर देगा, उस पे आपके सिग्नेचर करवा लेगा अपने साइन करके। तो आपको पहले उसको बताना है कि सर मैं नहीं देख रही थी, या फिर ये मेरा नहीं है, मेरे पास गलती से आ गया, या जो भी आपकी सफाई है वो वहां पे दे देनी है। क्योंकि अगर चीजें वहीं पे सॉल्व हो गई तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपका यूएफएम लग जाता है तो इन प्रोसीजर में क्या होता है कि आपका रिजल्ट 2-3 महीने के लिए रोक दिया जाएगा। फिर 3 महीने बाद आपसे पूछा जाएगा, आपका पक्ष जाना जाएगा। अगर आप एक सेटिस्फैक्ट्री उन्हें आंसर देते हो तो ही आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर करेंगे, वो भी 1 महीने बाद। मतलब लगभग 4 महीने के लिए आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। फिर रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कि आपको पास किया भी गया है या फिर आपको सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। काफी प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो जाती है अगर उसका यूएफएम लगता है। इससे अच्छा तो वो है कि आप चिटिंग ना करो और आप फेल हो जाओ, तो कम से कम ये है कि आपको पता होगा कि आप किस कारण फेल हुए हो और आपको नेक्स्ट ईयर उसे एग्जाम को पास करने का मौका मिलेगा। लेकिन यूएफएम के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन, कोई भी चारा नहीं होता है कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सको। अगर आप भी यूएफएम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करें, और भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर डिटेल्स के लिए भी हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें।